बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आपका चोक कॉइल सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो हमने डिस्कस कर लिया था पैरेलल रेजोनेंस सर्किट और कुछ न्यूमेरिकल्स आपके, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स आपकी कुछ रह गई थी वो सारी हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। देखो चोक कॉइल क्या होती है बच्चों, आपके पास चोक कॉइल है सिंपली एन इंडक्टर विच हैज लार्ज इंडक्टेंस। चोक कॉइल कुछ नहीं होता, एक इंडक्टर ही होता है, सोलेनोइड ही होता है। बस उसकी रिएक्टेंस क्या होती है आपकी, लार्ज होती है। उसकी रिएक्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा ली जाती है सर्किट के अंदर। वो क्यों ली जाती है उसके बारे में अभी बात करते हैं। चोक कॉइल किस प्रिंसिपल पे काम करता है बच्चों, एक इंडक्टर होता है उसके अंदर करंट क्या होता है, लैग बिहाइंड होता है बाय द फेज पाई बाई टू। इसी प्रिंसिपल पे क्या करता है, ये काम करता है। ये मैंने लिखा, चोक कॉइल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन एसी करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर, करंट लैग बिहाइंड द इंडक्टर, लैग बिहाइंड बाय द इंडक्टर बाय द फेज पाई बाई टू। इंडक्टर वोल्टेज बाय द फेज पाई बाई टू, ठीक है। ईएमएफ जो है वो इसके अंदर क्या होती है, करंट जो है ईएमएफ से पाई बाई टू फेज क्या होता है, पीछे। इसी प्रिंसिपल पे क्या करता है बच्चों, ये काम करता है। देखो कुछ डिवाइस होती है बच्चों आपके पास। अब चोक कॉइल को क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है? हमारे इंडिया में जो हाउस होल्ड सप्लाई है बच्चों वो कितनी है, 220 वोल्ट है। हमारे इंडिया में जो हाउस होल्ड सप्लाई है बच्चों वो क्या आपकी 220 वोल्ट। अच्छा, इस सप्लाई को डायरेक्ट हम लोग ट्यूबलाइट से जोड़ते हैं, ठीक है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मैंने बताया कि ट्यूबलाइट, ठीक है, कैन नॉट स्टैंड सच ए वोल्टेज। ट्यूबलाइट जो है इस वोल्टेज को होल्ड नहीं कर पाती, वो डैमेज हो जाती है। मैंने क्या बताया कि इंडिया में बेटा जनरली जो हाउस सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट होती है, ठीक है। जब वो डायरेक्ट जिस ट्यूबलाइट को हम लोग डायरेक्ट 220 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो इस वोल्टेज को होल्ड नहीं कर पाती और डैमेज हो जाती है। तो जो ट्यूबलाइट जो है वो इस वोल्टेज को सहन नहीं कर पाती और वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इसलिए उसके अक्रॉस वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए, करंट को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। करंट इस ट्यूबलाइट के अक्रॉस करंट को रिड्यूस करने के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस के अंदर कॉस फाई फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है बच्चों, वन होता है। मतलब मैक्सिमम पावर क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। मैक्सिमम पावर क्या हो जाती है बच्चों, उस केस में आपकी लॉस हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर वेस्टेज ऑफ पावर हीट एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मैंने कहा था कि वर्क और हीट किसके अक्रॉस, किसके अकॉर्डिंग होगा, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, इंडक्टर और कैपेसिटर के अकॉर्डिंग नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास हीट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, बहुत अमाउंट में पावर लॉस, एनर्जी एनर्जी जो पावर का लॉस है वो हीट की फॉर्म में बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में एक इंडक्टर लगा देते हैं जिसकी रिएक्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। मेरी बात समझ में आई बच्चों, नहीं आई तो फिर से सुनिए। चोक कॉइल के अंदर क्या होता है, नोट कर लो एक बार, मैं समझाती हूँ आपको, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, एक बार पोज करके नोट कर लेना, ठीक है बेटा। देखो मैं आपको बता रही हूँ क्या, कि आपके पास ये एक ट्यूबलाइट है बच्चों, ठीक है। आपके पास क्या है बच्चों, एक ट्यूबलाइट है और घरों में जो सप्लाई आती है वो कितनी आती है, 220 वोल्ट की, और वो बहुत ज्यादा होती है। जो ट्यूबलाइट है वो इस सच हाई वोल्टेज को सहन नहीं कर पाती, इस वोल्टेज को सहन नहीं कर पाती। जैसे बच्चों एक ट्यूबलाइट है आपके पास, ठीक है, या आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, क्या करते हैं इसको अगर डायरेक्ट 220 वोल्ट की सप्लाई से लगाते हैं तो ये डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अक्रॉस करंट को रिड्यूस करने के लिए, फॉर रिड्यूसिंग द करंट, फॉर रिड्यूसिंग द करंट, फॉर रिड्यूसिंग द करंट, करंट को रिड्यूस करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, इस ट्यूब के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। पर रेजिस्टेंस में तो क्या होता है, कॉस फाई फैक्टर वन होता है, ठीक है। तो आपके पास एपरेंट पावर, एपरेंट पावर कॉस फाई फैक्टर वन होता है, तो आप सीधा कह सकते हो हीट एनर्जी, रेजिस्टेंस के अंदर एच इज टू आई स्क्वायर आर टी, हीट एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो देर आर मच लॉस ऑफ पावर, ठीक है। पावर का क्या होता है, बहुत ज्यादा लॉस होता है। पावर की फॉर्म में क्या कहते हैं आप लोग, पी इज इक्वल टू पी आर एम एस, कॉस फाई क्या होता है आपके पास, वी आर एम एस आई आर एम एस डिवाइडेड बाई वी नोट आई नोट। अरे यही तो कहते थे ना, पावर की वैल्यू, एवरेज पावर की वैल्यू कितनी होती थी आपके पास, पी इफेक्टिव इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी इफेक्टिव इंटू आई इफेक्टिव इंटू कॉस फाइव।
एवरेज पावर, ये तो याद है, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस फाइव, यही तो लिखा था मैंने, ये एवरेज पावर है आपके पास, वी आई लिख लो, आई नोट कीजिएगा, एवरेज पावर, ये अपरेंट पावर होती थी, ये क्या होती थी, अपरेंट पावर। कोस फाइव जब वन हो जाएगा, कोस फाइव जब वन हो जाएगा तो एवरेज पावर किसके बराबर हो जाएगी, अपरेंट पावर के। तो देखो जितनी पावर सप्लाई की, इस तरीके से हमने ये माना कि लगभग पावर क्या होगी, लॉस होगी। तो सिर्फ रेजिस्टेंस बच्चों लगाते हैं, सिर्फ रेजिस्टेंस लगाते हैं तो क्या होता है, देर आर मच लॉस ऑफ एनर्जी इफ यू यूज द रेजिस्टेंस ओनली अक्रॉस द ट्यूब, इफ यू यूज रेजिस्टेंस ओनली, रेजिस्टेंस ओनली फॉर रिड्यूसिंग द करंट, फॉर रिड्यूसिंग द करंट, फॉर रिड्यूसिंग द करंट अक्रॉस द ट्यूब, अक्रॉस द ट्यूब, अक्रॉस द ट्यूब, ठीक है। तो ट्यूब को रिड्यूस करने के लिए अगर हम सिर्फ रेजिस्टेंस को यूज करते हैं बच्चों, रेजिस्टिव सर्किट का यूज करते हैं, तो कोस फाइव क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। एंड सो मच लॉस ऑफ पावर, मच लॉस ऑफ पावर, मच लॉस ऑफ पावर, पावर का लॉस क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा होगा, इट की फॉर्म में पावर का लॉस क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा होगा। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अक्रॉस ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसके साथ एक इंडक्टर लगा देते हैं, इसके साथ क्या लगा देते हैं, एक इंडक्टर एक्सल, ठीक है। और इंडक्टर की रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज वेरी हाई, इज वेरी लार्ज, इज वेरी लार्ज। इंडक्टर ऐसा यूज करते हैं जिसका एक्सल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसका एक्सल बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। एक इंडक्टिव रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक इंडक्टेंस लगाते हैं, एक इंडक्टर लगा देते हैं विच हैव वेरी लार्ज इंडक्टेंस, वी यूज द इंडक्टर विच हैव वेरी लार्ज इंडक्टेंस, ठीक है। तो आपने आपने पढ़ा ये थोड़ा सा कि इंडक्टर के अक्रॉस पावर लॉस क्या होता है बच्चों, बहुत कम होता है, इंडक्टर के अक्रॉस पावर लॉस क्या होता है बच्चों, कम होता है। एवरेज पावर अगर सिर्फ इंडक्टर के अक्रॉस बात करी जाए, प्योर इंडक्टर के अक्रॉस, तो प्योर इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज पावर लॉस क्या होगा आपका, जीरो। तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस, वी आर एम एस आई आर एम एस इज इक्वल टू कोस फाइव, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ इंडक्टर की बात करी जाए तो कोस फाइव को क्या लिख सकते हो बच्चों, कोस फाइव क्या था, आर वाई जेड, ठीक है। तो कोस फाइव इसके लिए सिर्फ इंडक्टर और रेजिस्टिव सर्किट में, तो ये आर, ये एक्सएल, ये आर होगा, ये क्या होगा, एक्सएल होगा। और वोल्टेज के लिए बात करो तो ये वी आर और ये वी एल, यही होता है, ये बीच में फाइव फैक्टर होते हैं हमारे पास जेड, तो ये इसको क्या लिख देंगे बच्चों, जेड, ये क्या होता है फाइव, तो क्या होगा आर बाई जेड, आर बाई जेड, जेड की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पे आर स्केयर प्लस में एक्सएल का स्केयर, आर स्केयर प्लस में एक्सएल का स्केयर, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आर स्केयर प्लस में एक्सएल का स्केयर। अब आप क्या कह रहे हो कि एक्सएल इज वेरी वेरी लार्ज, एक्सएल इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू आर, एक्सेल क्या है बच्चों, वेरी वेरी लार्ज है एज कम्पेयर टू आर। इतना नोट करिए बच्चों जल्दी से, नोट कर लिया, कर लिया यहां से। तो आपके पास ये जो फैक्टर है कोस फाई, कोस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों आपके पास, जीरो, ये नोट कर लिया बच्चों। तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों आपके पास इस सिचुएशन में, जीरो, कोस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, कोस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, जब ये बहुत ज्यादा होगा, करके देख लो, कोस फाई इसको क्या लिख सकते हो, आर, नीचे से आप क्या कॉमन ले सकते हो, आर कॉमन ले लोगे, आर कॉमन, वन प्लस में एक्सएल बाई आर का स्केयर, और इस सारे का क्या हो जाएगा, अंडर रूट, आर से आर क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास देखो ये फैक्टर बहुत ज्यादा है नीचे, तो समथिंग ये नीचे वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ये अप्रोक्सीमेट क्या बन जाएगा, ये कोस फाइव इज इक्वल टू वन अपॉन में वन प्लस एक्सएल बाई आर का स्केयर, ठीक है। एक्सएल बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू आर को, तो जीरो मान लू मैं, तो एक्सएल बहुत ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेट, तो समथिंग बाई वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये वैल्यू कैसी, जीरो, मैं आर को जीरो कह दू, अरे मैं आर को क्या कह दू, नेग्लिजिबल मान के अप्रोक्सीमेट जीरो मान लू, तो वन प्लस में एक्सएल बाई जीरो,
एक्सेल समथिंग बाय जीरो क्या बना, इनफाइनाइट, वन अपॉन में वन प्लस इनफाइनाइट, और वन प्लस वन बाय इनफाइनाइट क्या हो, वन बाय इनफाइनाइट, तो वन बाय इनफाइनाइट क्या हो गया, जीरो। तो यही तो लिख रही हूँ मैं डायरेक्ट, तो ये बहुत ज्यादा है, तो समझ आ गया। मान ला आर अप्रोक्सीमेट क्या बन गया बच्चों, जीरो। तो वैसे भी यहाँ से भी आर अप्रोक्सीमेट जीरो लिखते हैं तो वैसे जीरो बन रही है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो अब आपके पास देखो यहाँ से आर बहुत ज्यादा है, तो देखो यहाँ से सोल्व करा मैंने, तो एक्सएल बाई जीरो समथिंग बाई जीरो इनफाइनाइट, वन प्लस वन बाई इनफाइनाइट क्या बन गया आपका, जीरो। तो कोस फाई क्या हो जाएगा, जीरो। पावर फैक्टर उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। तो देन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ठीक है, पावर लॉस नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं, चोक कॉइल एक ऐसी डिवाइस होती है बच्चों जिसमें रेजिस्टेंस के साथ क्या लगा देते हैं बच्चों, एक इंडक्टर, और जिसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस, जिससे क्या होता है कि पावर का लॉस कम होता है। सिर्फ इंडक्टर्स लगाने, सिर्फ रेजिस्टेंस लगते हैं तो पावर का लॉस बहुत ज्यादा होता है, और इंडक्टेंस लगाने से थोड़ा पावर का लॉस कम होता है। क्योंकि आपने पढ़ा कि एवरेज प्योर इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज पावर कंज्यूम्ड ऑलवेज क्या होती है, जीरो, कोई पावर कंज्यूम नहीं होती इसके अक्रॉस। तो पावर लॉस क्या होता है, तो ये क्या करता है कि करंट को तो रिड्यूस कर देता है, और पावर का वेस्टेज क्या होते है, कम होती है। करंट को रिड्यूस कर देता है और पावर की एक्सेल बहुत ज्यादा होने के कारण करंट रिड्यूस हो जाएगा और पावर का लॉस क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। कोस फाई जीरो, तो एवरेज पावर क्या आ जाएगी आपके पास, जीरो। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड क्या आ जाएगी आपकी, जीरो। ये एवरेज पावर कंज्यूम्ड क्या आ जाएगी आपकी, जीरो। तो पावर का लॉस क्या होता है बच्चों, सिचुएशन में कम होता है। तो दिस इज योर चोक कॉइल, ये क्या होती है बच्चों आपकी, चोक कॉइल। चोक कॉइल में बेसिक कंसेप्ट क्या है, देखो एक इंडक्टर होता है जिसकी इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है। सर्किट में ट्यूबलाइट वगैरह में करंट को रिड्यूस करने के लिए क्या लगाया जाता है, रेजिस्टेंस। तो सिर्फ रेजिस्टेंस लगाते हैं तो पावर का लॉस बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए क्या करा जाता है कि हाई एक इंडक्टर लगा दिया जाता है जिसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा, और रिएक्टेंस के अक्रॉस पावर लॉस क्या होता है, कम, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो पावर लॉस कम होगा और करंट क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण रिड्यूस हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा बच्चों, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर चोक कॉइल, नोट करिए बच्चों जल्दी से। उसके बाद बात करते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की आपके, ठीक है। पैरेलल आरएलसी सर्किट कभी बोर्ड में नहीं पूछा जाता आपके पास, बोर्ड एग्जाम में नहीं आता बच्चों, पर अनिट में आईआईटी में क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसके लिए करवा रही हूँ आपको, ठीक है, नोट हो गया बच्चों। पैरेलल रेजोनेंस का कोई रोल नहीं है आपके पेपर में, नहीं पूछा जाता, जितना पूछा जाएगा उतना मैं एक डिफरेंस में लिखवा दूंगी अभी, ठीक है। लेकिन डेरिवेशन भी नहीं करना, डेरिवेशन जस्ट समझने के लिए, ठीक है बच्चों। तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है, ये एक इंडक्टर रेजिस्टेंस, ये एक इंडक्टर, और ये एक बच्चों एक कैपेसिटर होती है, ठीक है। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, दिस इज योर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अक्रॉस बच्चों वी क्या रहती है, सेम। ये करंट क्या रहेगा, आई आर, ये क्या रहेगा, आई एल, ये क्या रहेगा, आई सी। पैरेलल है ये, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो देखो पैरेलल है तो वोल्टेज क्या रहेगी, सेम, इन पैरेलल वोल्टेज क्या रहेगी बच्चों, इन सबके अक्रॉस सेम रहेगी वोल्टेज, इन सबके अक्रॉस क्या रहेगी आपकी, सेम। करंट देखो आई आर को क्या लिख सकते हो, वोल्टेज सेम है वी बाई आर, इसके अक्रॉस आर, ये एल और ये सी। आई एल को क्या लिख सकते हो, वी बाई जे एक्स एल। जे क्यों लगाया बच्चों मैंने, जे एक ऑपरेटर है, जब करंट पीछे होता है वोल्टेज से, जिस सिचुएशन में करंट वोल्टेज से पीछे होता है तो जे जे ऑपरेटर लगाते हैं नीचे। जे ऑपरेटर किधर लगाते हैं, नीचे लगाते हैं। जे ऑपरेटर सिर्फ ये बताता है यहाँ पे कि करंट जो क्या है वोल्टेज से पीछे। पैरेलल के अंदर ये सिंबल नोट करते हैं हम लोग, सीरीज में सीधा करंट सेम होता है इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो वोल्टेज में हमें इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। पैरेलल में, पैरेलल में करंट का इंडिकेशन बताने के लिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे जे ऑपरेटर सिर्फ ये बता रहा है कि करंट इन दिस केस लैग बिहाइंड द वोल्टेज, तो जे ऑपरेटर सिर्फ इस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आईसी में वोल्टेज करंट आगे होता है, ठीक है। तो जे इंटू वी बाई एक्ससी, तो जब करंट आगे होता है तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, और जब करंट पीछे होता है तो उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, जे ऑपरेटर से, बाय द जे ऑपरेटर। टोटल करंट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आई आर प्लस में आई सी प्लस में आई एल, तो करंट आई आर क्या है, वी बाई आर, वी बाई एक्स सी,
एक्सी में करंट आगे होता है कैपेसिटर के अंदर तो जे प्लस, एक्सएल के अंदर क्या होता है जे वी बाई जे एक्सएल, ठीक है। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, V तो सब में ही है तो V को कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा I इज इक्वल टू V 1 बाई आर प्लस J बाई XC। अब इसको क्या करूं मैं थोड़ा ऊपर ले जाने के लिए J से मल्टीप्लाई कर दू, J से डिवाइड कर दू, हमारे NCERT के क्वेश्चन है उसमें इतना ही नोट करना है बस हमें, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों माइनस का V बाई XL, ये J ऊपर आयटा फंक्शन होता है ना, जे ऑपरेटर को बताता है आयटा फंक्शन, कम्प्लेक्स नंबर को बताता है, जे किसको बताता है बच्चों कम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। जैसे आयटा का स्केयर क्या होता है माइनस वन, तो अंडर रूट में अगर माइनस वन होता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों आयटा, ये कम्प्लेक्स नंबर होता है मैथ में, ठीक है। तो इसलिए जे वही है आयटा कम्प्लेक्स नंबर है, जे क्या बताता है यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर। तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से ये वैल्यू, तो अब यहाँ से आई बाई वी क्या बना वन बाई आर प्लस जे XC माइनस ये भी तो चला ही गया J XL, ठीक है। अब क्या है बच्चों आपके पास J XC माइनस का J XL आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों इसके साथ यहां से उसको सॉल्व कर लो एक बार, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस और रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो चाहे वो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस क्या होता है ससेप्टेंस, क्या होता है ससेप्टेंस, ठीक है। जे वन बाई एक्सएल तो वन बाई एक्सएल को क्या लिख देंगे एक्स एस एल, ये ससेप्टेंस को बता रहा है। इसी तरह वन बाई एक्ससी को क्या लिख देंगे एक्ससी, क्या लिख देंगे एससी, ये किसको बताएगा बच्चों ससेप्टेंस को, किसको इंडिकेट करेगा ये ससेप्टेंस को, ठीक है। नोट करिए इतना जल्दी से, ये डेरिवेशन करो तो कर लेना, बाकी जरूरी नहीं है, बोर्ड में तो कभी नहीं पूछेगा, आईटी एडवांस में क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। डेरिवेशन करने तो बस जस्ट ये पॉइंट यहां तक याद रखना, यहां तक याद रखना बस, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, आगे देखिए बच्चों क्या बन जाएगा यहां से आपके पास, ये आई बाई बी किसके बराबर हो जाएगा यहां से आपके पास I by V, तो V by I क्या होता है बच्चों एडमिटेंस, ये Y बन जाएगा एडमिटेंस, इसको किसे नोट कर देंगे Y, ये Y क्या कहलाएगा एडमिटेंस, एडमिटेंस रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, देखो इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल इम्पीडेंस क्या होता है एडमिटेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज इक्वल टू एडमिटेंस, इसको Y से लिखते बच्चों, ये जड़ लिखते थे ना हम लोग V by I को जड़ लिखते थे LCR सीरीज में, तो जड़ की जगह ये क्या बन गया I by V को क्या लिख देंगे 1 by जड़, और 1 by जड़ क्या कहलाएगा एडमिटेंस, क्या कहलाएगा एडमिटेंस। तो यहाँ पे मैंने तीन टर्म बताई, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस रेजिस्टेंस क्या कहलाता है कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस क्या कहलाता है ससेप्टेंस, एंड रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, एंड रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस क्या कहलाएगा एडमिटेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस क्या कहलाएगा बच्चों एडमिटेंस, ठीक है। इतना नोट हो गया बच्चों, जल्दी नोट करिए, नोट कर लिया तो मैं इसको लिख दूं यहां से नोट कर लो जल्दी से, तो मैं यहां से लिख रही हूं, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ y, यहां से ये y के बराबर हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाई जेड बराबर क्या होता है y, मैं इधर लिख देती हूँ 1 बाई जेड बराबर y, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस क्या होता है ये आपका क्या 1 बाई जेड, एडमिटेंस क्या होता है एडमिटेंस। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1 बाई आर प्लस जे बाई एक्ससी माइनस जे बाई एक्सएल, माइनस जे बाई एक्सएल, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए बच्चों यहां से क्या बन जाएगा वाई इज इक्वल टू वन बाई आर को क्या लिख लोगे जी जी माइनस ये क्या ससेप्टेंस, तो इसको एस सी से लिख देंगे ससेप्टेंस को एस सी से इंटू जे, ठीक है। ये माइनस का जे इंटू एस एल, ठीक है। तो y इज इक्वल टू जी प्लस जे एस सी माइनस एस एल, तो ये क्या आ गया था उस केस में क्या आया था बच्चों जड़ इज इक्वल टू ये एडमिटेंस आया, ये क्या आ गया बच्चों यहां से हमारे पास एडमिटेंस आ गया, ये आपके पास इसका स्केयर कर लोगे तो इसका स्केयर करोगे तो क्या आएगा y स्केयर इज इक्वल टू जी स्केयर, उधर ऊपर लिखती हूँ इसको नोट करो जल्दी से, इतना
इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे बच्चों, यहाँ से ये नोट कर लिया, नोट हो गया होगा, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे बच्चों यहाँ से आप, तो इसका क्या बन जाएगा, जेड इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एस एल माइनस एस सी माइनस एस एल, एस सी माइनस एस एल का स्क्वायर और इस सारे का अंडर। ये किस में आया बच्चों, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, नेंस सर्किट, ठीक है। और सीरीज में क्या आया था बच्चों, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। वो दोनों में सेम बात रहेगी, अगर एक्ससी ज्यादा है तो एक्ससी की फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा, अगर एक्सएल ज्यादा है तो एक्सएल की फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा। एक्ससी ज्यादा तो एक्ससी माइनस एक्सएल, और एक्सएल ज्यादा तो एक्सएल माइनस एक्ससी, जो कि पीछे समझाया था आपको, ठीक है। अब ये इसमें क्या है, एक्ससी अगर ज्यादा है एक्सएल से तो वो यहाँ पे भी वैलिड है, यहाँ पे भी क्या है, एक्ससी ज्यादा है किससे, एसएल से, ठीक है। कम होगा तो वो उल्टा हो जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में फाइनल में। इसी में अगर आप ऐसे लिखो एसएल ज्यादा है एक्ससी से, तो ये वाई इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एसएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये तो बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये दो रिजल्ट आप लोग यहाँ से ध्यान रखें, नोट करिए इतना जल्दी से, नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। अब देखो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस, इसकी इसमें एक देख डिफरेंस डिफरेंस में लिखवा देती हूँ, देखो डिफरेंस बिटवीन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट एंड सीरीज रेजोनेंस सर्किट, डिफरेंस बिटवीन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट एंड सीरीज रेजोनेंस सर्किट, डिफरेंस में सारे पॉइंट लिखवा देती हूँ। एक साइड लिख लो सीरीज, एलसीआर सीरीज, एलसीआर सीरीज, एक साइड लिख लो एलसीआर पैरेलल, एलसीआर पैरेलल, ठीक है। एलसीआर सीरीज में क्या होता था बच्चों, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल या एक्ससी माइनस एक्सएल, एक्ससी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। इसमें क्या है आपका, वाई इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एसएल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास एडमिटेंस आ गया, इसके पास इसमें भी ये जेड निकालोगे तो इसका ये क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए एडमिटेंस की बात करें, इसमें अगर वोल्टेज की बात करोगे तो वी आर का स्क्वायर वी एल माइनस या वी सी माइनस, कुछ भी लिख लो, वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर, क्योंकि देखो माइनस कॉमन लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वी एल माइनस वी सी लिखो कैलकुलेशन में, वी सी माइनस वी एल। थ्योरेटिकली बताया कि कैपेसिटिव होगा एक्ससी ज्यादा होगा तो एक्ससी में से घटा देना, और एक्सएल ज्यादा होगा तो एक्सएल में से घटा देना, ठीक है। इसी तरह यहाँ करंट आ जाएगा आपके पास आई आर का स्क्वायर प्लस आई आर माइनस आई सी माइनस आई सी माइनस आई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये वैल्यू जा जाएगी आपके पास, ठीक है। ये यहाँ से नोट कर लोगे आप लोग, तो टेन फाई इस केस में क्या होता है बच्चों, एक्ससी माइनस एक्सएल बाई आर, टेन फाई क्या होता है, एक्ससी माइनस एक्सएल बाई आर। इसी तरह यहाँ पे टेन फाई क्या हो जाएगा, एक्ससी माइनस एसएल बाई आर। फेजर डायग्राम बनाया इसका, तो देखो इस केस का फेजर डायग्राम बनाया हम लोग, इस केस का फेजर देखो आर इधर है, फेजर डायग्राम देखो इस केस का, पिछले बार बनाना भूल गई, आर इधर है, तो आपके पास वोल्टेज में कंडीशन होती है जिधर करंट होगा उधर ही वोल्टेज होगी, तो वी और आई सेम फेज में रहते हैं, तो देखो करंट क्या होता है कैपेसिटर में आगे होता है, और इसमें करंट क्या होगा पीछे, क्योंकि वोल्टेज तो सेम रहेगी, तो इस फेजर को थोड़ा इसका रिवर्स वेक्टर उधर ले लेंगे, यहाँ पे इसको पैरेलली शिफ्ट कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से ये बना आपके पास वी आर आई आर आई आर, और ये बन जाएगा आई सी माइनस का आई आर आई आई एल आई एल, ये आपका फाइव फेज डिफरेंस, ये क्या बन जाएगा फाइव, ये फेजर डायग्राम आएगा। इस केस में फेजर डायग्राम कैसे बनाते थे, ये आपके पास आई, ये आपके पास वी आर, ये आपके पास वी एल, और ये क्या होता था वी सी। पैरेलली जब इसको शिफ्ट करते हैं बच्चों तो कैसे बना देते हैं, ऐसे ये वी आर
ये VL माइनस VC, ये फाइव फेज डिफरेंस, ठीक है इस तरीके से। तो ये इसका फेजर डायग्राम है, ये इसका फेजर डायग्राम, नोट करिए बच्चों जल्दी से। अब देखिए बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट इसका नोट कर लिया जल्दी दोनों का, जल्दी नोट करिए लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए बच्चों इसका। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एलसीआर सीरीज, एलसीआर पैरेलल, इस केस में क्या होता है आपके पास, ये आई और फ्रीक्वेंसी में एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट क्या होता है मैक्सिमम, ये रेजोनेंस ये फ्रीक्वेंसी है तो ये एफ आर होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में, इन दैट केस एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट क्या होता है मैक्सिमम, जो कि आई नोट होता है आपके पास। रेजोनेंस मतलब बच्चों एक्सएल बराबर एक्ससी, ठीक है, या वीएल बराबर वीसी। इसमें क्या होता है एट रेजोनेंस, ये आई होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंस के ऊपर ये कर्व आती है इसकी, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट क्या होता है मिनिमम, यहाँ पे करंट क्या है बच्चों मैक्सिमम, इसलिए करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट क्या होता है इसमें मैक्सिमम। इसमें क्या लिखोगे एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट इज मिनिमम, ठीक है, और एस सी बराबर क्या हो जाएगा एस एल के, ठीक है, इसलिए करंट मिनिमम होता है इन दैट केस करंट इज मिनिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो करंट क्या होता है मिनिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सो क्या हो जाएगा इसके, सो इट इज कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट, ठीक है, इन दैट केस करंट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सो इट इज कॉल्ड एसेप्टर सर्किट। ये पूछ लिया जाता है कई बार एसेप्टर सर्किट क्यों कहते हैं, इसको रिजेक्टर सर्किट कहते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को, और सीरीज को क्या कहते हैं एसेप्टर सर्किट कहते हैं। नोट करिए बच्चों इसमें जल्दी से, नोट कर लीजिए, एक ग्राफ और लिख लीजिए इसमें, इस केस में आप थोड़ा और लिख सकते हो कि इनिशियली करंट इंक्रीज मैक्सिमम फिर डिक्रीज, इसमें करंट डिक्रीज मिनिमम फिर इंक्रीज, ठीक है, वो आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, हो गया बच्चों नोट, हो गया नोट। आगे देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, इसमें आपका एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंपीडेंस इज मिनिमम सच दैट, ये क्या होता है जेड और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तो इस केस में क्या होता है बच्चों इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इस केस में क्या होता है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंपीडेंस इज मैक्सिमम। दोनों ग्राफ पे ध्यान रखना वो करंट के साथ था, ठीक है, तो
ये आपकी इम्पीडेंस और ये आपका फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में क्या होता है, इम्पीडेंस के ऊपर करंट क्या होता है रेजोनेंस, फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस क्या होता है मैक्सिमम, जड़ क्या होता है मैक्सिमम। देखो जड़ मैक्सिमम होता है तभी तो करंट मिनिमम होता है, इसमें जड़ मतलब रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस मिनिमम होता है तभी करंट क्या होता है बच्चों मैक्सिमम होता है, तभी करंट क्या होता है बच्चों मैक्सिमम होता है। नोट करिए बच्चों जल्दी से, कर लिया नोट। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है अच्छे हैं आपके पास, वो ट्रांसफॉर्मर पे बेस्ड है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। आपके बाकी सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में करवा दिए थे, दो क्वेश्चन है थोड़े अलग से वो मैं डिस्कस कर रही हूँ अभी आपके, ठीक है। देखिए बच्चों आपके पास देखो बच्चों क्या है, ये आपके पास ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7.24, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7.24 है बच्चों आपका। ये क्या कह रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द वाटर प्रेशर हैड एट ए हाइट, हाइट एच कितनी दे दी बच्चों आपको, एक पावर प्लांट है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है, वो कितनी हाइट पे है आपके पास एच हाइट। देखो पावर प्लांट में क्या होता है बच्चों कि डैम बना दिया जाता है किसी हाइट के ऊपर, उसमें पानी भरा होता है, वहां से पानी किस पे गिराया जाता है टर्बाइन पे, किस पे गिराया जाता है टर्बाइन पे, तो टर्बाइन क्या करता है मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। तो कितनी हाइट पे दे रखा है बच्चों एच पे। वाटर फ्लो अवेलेबल, देखो ये 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यूब वॉल्यूम दे रखा है बच्चों, क्यूब मतलब वॉल्यूम, सेकेंड इनवर्स तो मतलब वॉल्यूम, ये दे रखा वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम, रेट ऑफ वॉल्यूम मतलब डीवी बाई डी टी, कितना दे रखा 100 आपको मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। इफ द टर्बाइन जनरेटेड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी दे रखी है बच्चों आपको 60%, ठीक है। एस्टिमेट द इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट, ठीक है, मतलब आउटपुट पावर आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहा है आपसे आउटपुट पावर। तो एफिशिएंसी क्या होती है बच्चों, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, इनपुट पावर, ठीक है। तो पी इनपुट, इनपुट पावर हमें निकालनी पड़ेगी, पावर क्या होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर का फॉर्मूला यही तो पढ़ा है ना, वर्क डन किसकी फॉर्म में हो रहा है बच्चों एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो आपके पास पी इनपुट आप निकालेंगे, तो देखो बच्चों मैकेनिकल एनर्जी, जब वो पानी को फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें हो रही है आपके पास, किसी एच हाइट पे पानी भरा हुआ है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी है कुछ, तो मैकेनिकल एनर्जी, जबकि डैम के अंदर किसी एच हाइट पे पानी भरा हो तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों MgH, MgH। तो डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम, उसने मास नहीं दिया हमें तो मास को क्या लिख सकती हूँ मैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आपके पास मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, रो वी जी एच, रो वी जी एच, तो बेटी जी और मैकेनिकल एनर्जी। नोट करिए बच्चों इतना जल्दी से, इतना नोट कर लिया, कर लिया बच्चों इतना नोट, क्वेश्चन नोट कर लिया, मैं हटाऊंगी क्वेश्चन को ऊपर से। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, ये तो आपके पास एनर्जी कितनी आ गई बच्चों, रो इज इक्वल टू वी, यू इज इक्वल टू एम जी एच, और इसको पुट करा तो रो वी जी एच, ठीक है। पावर क्या होती है, रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या, रेट ऑफ डूइंग एनर्जी, अरे डब्ल्यू बाई टी या यू बाई टी होता है रेट ऑफ डूइंग एनर्जी, तो इसको क्या लिख दोगे, रो जी एच डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो पावर इनपुट है बच्चों, ये पावर इनपुट, तो ये कितनी आ गई, रो, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1000, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है बच्चों 1000, जी की वैल्यू जी 10, एच 300 दे रखा है, डीवी बाई डी टी भी दे रखा है आपको, वॉल्यूम कितना 100, ये 9.8 ले लो आप लोग, भले बुक में 9.8 से आंसर दे रखा है इसलिए, ठीक है। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास, 9.8 इंटू 3, तो ये 3 to 5 7, 10^7, ये पावर इनपुट आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी पावर इनपुट। एफिशिएंसी कितनी दे रखी है बच्चों आपको 60%, तो एफिशिएंसी पी आउटपुट, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर,
आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर बच्चों, तो एफिशिएंसी कितनी है 60%, 60/100 एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 60%, तो आउटपुट पावर आपको निकालनी है, इनपुट पावर ये रही आपके पास 9.83 × 10⁻⁷, तो पी आउटपुट ये 10 से 10 बच्चों कैंसिल, तो आ जाएगा 6 × 9.8 × 3 × 10⁷ / 7 / 10 इज इक्वल टू पी आउट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, तो ये अप्रोक्सीमेट 176 मेगावाट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 176 मेगावाट अप्रोक्सीमेट, इतना रिजल्ट आ जाएगा, सॉल्व कर लेना अप्रोक्सीमेट, ठीक है, दैट इज योर आउटपुट पावर। समझ आ गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, कि टर्बाइन घूमता है एफिशिएंसी दे रखी थी, इनपुट पावर निकाल के आउटपुट पावर निकालनी थी, इनपुट पावर का डाटा दे रखा था, आउटपुट पावर हमें निकालनी थी, ठीक है बच्चों। नोट करिए जल्दी से, कर लिया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7.25, ध्यान से समझना बच्चों क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ आ गया तो वैसे क्वेश्चन आंसर इजी है, ठीक है, बिल्कुल लॉजिक से, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पहले स्मॉल टाउन विद ए डिमांड ऑफ 800 kV इलेक्ट्रिक पावर, 220 वोल्ट एक टाउन है, जैसे आपके पास सिटी आपका नारनौल मान लो, ठीक है, सिटी नारनौल में आपको 800 kV पावर चाहिए, ठीक है, किस वोल्टेज पे, 220 वोल्ट पे, कितने पे चाहिए आपको, 220 वोल्ट के। इट इज सिचुएटेड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, मान लिया कहीं पे आपके पास इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, यहाँ पे अटेली में इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ठीक है, अटेली में क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा हुआ है, वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, दूरी पे बच्चों 15 किलोमीटर की दूरी पे है नारनौल से, ये नारनौल आपका नारनौल शहर है, जिसमें आपको इतनी सप्लाई चाहिए, इतनी वोल्टेज आपको डिमांड क्या है बच्चों, 800 kV की एट 220 वोल्ट, ठीक है। पावर प्लांट से आपकी सिटी कितनी दूर है, 15 किलोमीटर, अब तक बात समझ आए। फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग पावर एट, ये जो पावर है, ये पावर स्टेशन है, ये कितनी पावर ट्रांसफर, ये ट्रांसफॉर्मर T1 कह देती है, ट्रांसफॉर्मर, ये क्या स्टेप, सेंडिंग पावर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है बच्चों, ये क्या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, क्यों लिखा मैंने इसको स्टेप, स्टेप डाउन क्वेश्चन में नहीं दे रखा, ये थ्योरी में समझाई थी बात है, सेंडिंग पावर किस पे होगी आपके पास, स्टेप अप पे, और रिसीविंग किस पे होगी, एट स्टेप डाउन पे, सेंडिंग पावर एट स्टेप अप पे और रिसीविंग एट स्टेप डाउन पे होती है, ठीक है, ठीक है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है T2, और ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है बच्चों। अब क्या कह रहा आपसे, इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग, ये जो पावर प्लांट यहाँ पे जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वो कितनी कर रहा है, 440 वोल्ट, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है पावर प्लांट आपका, 440 वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर लाइन कैरिंग इज, टू पावर लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो कितना, ध्यान रखना 0.5 ohm/km, ठीक है, 1 किलोमीटर के लिए कितना आपके पास 0.5 ohm, 1 किलोमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना आपका 0.5 ohm, तो आपके पास कितना किलोमीटर, 15, एक वायर जाने का 15 किलोमीटर, और टू वायर है, देयर आर टाउन पावर टू वायर, कितनी वायर है, टू वायर, तो दो से मोर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 × 2 × 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 0.5 × 30, तो कितना आ जाएगा 15 ohm, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों आपका 15 ohm, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका 15 ohm। फिर कह रहा है द टाउन गेट्स ए पावर फ्रॉम द लाइन, ये सिटी जो है, इस टाउन सिटी जो है, गेट्स ए पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू द 404, यहाँ पे जो पावर आ रही है, यहाँ पे जो पावर आ रही है टाउन में इस ट्रांसफॉर्मर पे, वो कितनी आ रही है, 4000 वोल्ट, और ये क्या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तो ये हाई वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, लो वोल्टेज में, तो इसमें किसमें कन्वर्ट करके दे रहा है, ये 4000 वोल्ट आई और ये कन्वर्ट करके कितना दे रहा है, 220 वोल्ट दे रहा है, तो ये लिखा इसने टाउन गेट्स पावर फ्रॉम ए लाइन थ्रू 4000 वोल्ट टू 220 वोल्ट, तो इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, यहाँ पे कितनी है 4000 वोल्ट, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है सिटी के अंदर, वो क्या करेगा 4000 वोल्ट को कन्वर्ट करेगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, हाई वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, लो वोल्टेज में, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी बन जाएगी आपके पास 220 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई 440 वोल्ट, ये लो वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, हाई वोल्टेज में,
किसमें कन्वर्ट कर देगा बच्चों? हाई वोल्टेज में। ध्यान हो तो मैंने समझाया था कि पावर सप्लाई ऑलवेज एट हाई वोल्टेज और लो करंट पे की जाती है। पावर सप्लाई हमेशा हाई वोल्टेज और लो करंट पर करी जाती है। आपको ये बात समझ आई थी बच्चों? क्वेश्चन समझ आया? तो पहले क्वेश्चन में पूछा एस्टिमेट द लाइन पावर इन द होमोफिट। लाइन पावर लॉस कितना हो रहा है इन द लाइन पावर लॉस इन द पावर इन द होमोफिट इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में कितनी पावर आपकी लॉस हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया कि एक सिटी है उसको इतनी किलोवाट एनर्जी चाहिए, इतनी पावर चाहिए इतनी वोल्टेज पे। ठीक है, उसके पास आ कितनी रही है 4000। एक दूसरा स्टेशन है यहाँ से 15 किलोमीटर, तो 440 वोल्ट जनरेट कर रहा है। तो सेंडिंग पावर किस पे होगी? स्टेप अप पे। रिसीविंग किस पे होगी बच्चों? स्टेप डाउन पे। ये थ्योरी में बड़े अच्छे से बातें समझाई थी। ठीक है, बताया था सेंडिंग पावर ऑलवेज हाई वोल्टेज और लो करंट पे होते हैं। रिसीविंग पावर किस पे होती है आपके पास? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। ठीक है, समझ आया? अब इतना नोट करिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को हटाती हूँ, फिर धीरे धीरे सारे पॉइंट समझाती हूँ मैं आपको। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को एक बार जल्दी से। क्वेश्चन का ए पार्ट लिख दिया, बी और सी बाद में लिखूंगी, फिर ये थो क्वेश्चन नहीं समझ आता इसलिए हटाती हूँ ये सब। मैं एक बार हटा रही हूँ। आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है आपके पास? ये एक पावर स्टेशन ही जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी 440 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक सिटी है, नॉर्मल सिटी मान लो, कोई भी सिटी मान लो। यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, स्टेप यहाँ पे क्या लगाएंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज कितनी चाहिए, पावर कितनी चाहिए? 800 किलो वोल्ट 220 वोल्टेज पे। ठीक है, आ कितनी रही है यहाँ पे 4000 वोल्ट। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है? 15 किलोमीटर। उसने क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 ओम 1 किलोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है? वायर रेजिस्टेंस कितना है? 0.5 ओम। तो देखो ये दो वायर है, एक और दो, तो 2 वायर और 1 किलोमीटर आना और जाना दोनों हो गया ना, तो 2 वायर के लिए 15 × 2 वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.5 × 30 कितना आ जाएगा? 15 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों? 15 ओम आ गया। अब देखो बच्चों पावर क्या होती है? पावर V × I, तो P क्या होता है? V × Y, तो I को क्या लिख सकती हूँ बच्चों मैं यहाँ से? P/V। तो यहाँ पे पावर कितनी चाहिए? 800 किलोवाट और वोल्टेज कितनी चाहिए? 4000। वोल्टेज कितनी चाहिए बच्चों? 4000 वोल्ट चाहिए। वोल्टेज कितनी चाहिए बच्चों यहाँ से आपके पास? 4000 वोल्ट। तो किलो को बना लो, कन्वर्ट कर लो 10^3 वोल्ट, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 2 पे, तो करंट कितना आ जाएगा? 200 एम्पियर। तो करंट कितना आ रहा होगा बच्चों केबल के अंदर? 200 एम्पियर। केबल में करंट कितना आ रहा है बच्चों? 200 एम्पियर करंट जो है बच्चों फ्लो हो रहा है। पहले पूछा पावर लॉस, क्या पूछा? पावर लॉस क्या होगा? I² × R। I² कितना है? 200 का स्केयर। R कितना है बच्चों? 15। क्या आ जाएगा बच्चों? 400 हो जाएगी, 4 × 2 = 4 और ये 4 0 आ जाएगी × 15, तो आ जाएगा आपके पास 60, तो आ जाएगा 6 0, तो आ जाएगा 600 किलोवाट। ये वोट में आया, कितना आ जाएगा ये? 600 किलोवाट, 600 किलोवाट। पावर लॉस कितनी हो जाएगी बच्चों? 600 किलोवाट पावर क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। बहुत ज्यादा पावर का लॉस है ये आपके पास। ठीक है, तो आपने कितनी पावर लॉस आ जाएगी इतनी सप्लाई के ऊपर, जब यहाँ पे इतनी वोल्टेज आ रही है, इतनी पावर चाहिए, इतनी तो रिसीविंग चाहिए पावर, इतनी वोल्टेज आ रही है। ठीक है, तो करंट निकाल लिया हमने यहाँ से। क्या निकाल दिया बच्चों? करंट निकाल दिया, करंट निकाल दिया, फिर हमने पावर लॉस निकाल लिया। करंट पता है कि केबल में करंट इतना है, रेजिस्टेंस केबल का इतना था, तो क्या पावर लॉस कितना हो रहा है? इतना पावर लॉस हो रहा है, दैट इज योर पावर लॉस। ठीक है बच्चों, जल्दी नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई, हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई। ये पार्ट लिखिए, पावर लॉस लिख लो बच्चों यहाँ पे। पावर लॉस कितना आया आपका? 600 किलोवाट। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है?
हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई, हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई, क्वेश्चन का बी पार्ट में पूछा है हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई, प्लांट सप्लाई, हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई अज्यूमिंग देर इज नेग्लिजिबल पावर लॉस टू द लीकेज, अज्यूमिंग दैट देर इज नेग्लिजिबल पावर लॉस ड्यू टू लीकेज लीकेज के कारण पावर लॉस नेग्लिजिबल, उसको कंसिडर नहीं कर रहा, मतलब लीकेज के कारण कुछ भी अदर फॉर्म में जो लॉस हो रहा है उसको कंसिडर नहीं कर रहा। तो पावर सप्लाई, देखो बच्चों पावर सप्लाई किसके बराबर होगी, पावर रिसीव्ड एट सबस्टेशन प्लस पावर लॉस, पावर का लॉस कितना हुआ, रिसीव कितनी हुई थी, तो पावर सप्लाई है, पावर रिसीव्ड कितनी हो रही है 800 किलोवाट, पावर लॉस कितना हो रहा है 600 किलोवाट, तो पावर सप्लाई कितनी हुई बच्चों 1400 किलोवाट, पावर सप्लाई कितनी हुई है बच्चों 1400 किलोवाट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ऑफ द प्लांट, अब कह रहा है कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, कैरेक्टराइज का मतलब उसकी इनपुट और आउटपुट पावर क्या है, इनपुट और आउटपुट पावर क्या है बच्चों, ये पावर सप्लाई आपके पास, ठीक है, हो गया बच्चों। देखो 1400 में से 600 का लॉस हो गया, बहुत ज्यादा लॉस है बच्चों ये, ठीक है, और हटा दो यहां से। फिर क्वेश्चन का सी पार्ट देखिए, कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, सी पार्ट देखो, कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इस वर्ड का मतलब क्या बच्चों, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की इनपुट वोल्टेज कितनी और आउटपुट वोल्टेज कितनी है, मतलब कि ये इनपुट तो 440 वोल्ट है यहाँ पे, ये आउटपुट यहाँ पे कितनी आ रही है, कुछ तो केबल पे लॉस भी हो गया, तो आउटपुट यहाँ पे कितनी आ रही है, इस वी को देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास इनपुट पावर तो कितनी है बच्चों, इनपुट वोल्टेज तो कितनी है, इनपुट वोल्टेज कितनी है बच्चों आपके पास 440 वोल्ट। कैरेक्टराइज वर्ड का मतलब क्या बताता है कि इनपुट वोल्टेज कितनी है उस ट्रांसफॉर्मर के लिए और आउटपुट वोल्टेज कितनी है, तो आउटपुट वोल्टेज हम निकालेंगे बच्चों इसके लिए, क्या निकालेंगे इस केस के लिए हम लोग, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, आउटपुट वोल्टेज ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कितना, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा बच्चों, आउटपुट पहले हम निकालें वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, पहले क्या निकालें, वोल्टेज ड्रॉप निकालें, ये हमें निकालना है, इतना नोट कर लो बच्चों जल्दी से, इतना नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से, ये आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी बच्चों, ठीक है, ये निकाल लिया, अब इसको हटाओ बच्चों एक बार इसको, तो देखो तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लाइन, यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी कि यहाँ कितनी पहुंची, यहाँ वोल्टेज कितनी होगी, यहाँ पे लॉस कितना हुआ, यहाँ पे कितनी पहुंची, यहाँ पे 4000 पहुंच रही है, यहाँ पे लॉस और निकाल लेते हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लाइन क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, करंट आई कितना था बच्चों 200, आर कितना था 15, तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 3000 वोल्ट, ठीक है, कितनी आ जाएगी 3000 वोल्ट। देखो यहां से लॉस कितनी होगी इस वायर के अंदर, वोल्टेज 3000 वोल्ट, रिसीव कितनी होगी 4000, तो यहां से कितनी गई होगी 7000, तो आउटपुट वोल्टेज यहां पे भी, आउटपुट वोल्टेज ऑफ द स्टेप अ
अब ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर कितनी हो जाएगी बच्चों, रिसीव लॉस प्लस रिसीव्ड पावर, रिसीव्ड वोल्टेज। लॉस कितना हो रहा है बच्चों 3000 का, रिसीव्ड कितना 4000, तो सप्लाई कितनी हुई 7000 वोल्ट। तो इसके करेक्टराइज क्या लिखोगे, 440 वोल्ट टू 7000 वोल्ट, 440 वोल्ट टू बच्चों 7000 वोल्ट। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एट द प्लांट क्या होगा, 440 वोल्ट से 7000 वोल्ट तक, ये इसकी करेक्टरिस्टिक होगी, करेक्टराइज। करेक्टराइज वर्ड का मतलब समझ आ गए। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है बच्चों, उसको वो आपकी प्रैक्टिस कर लेना, तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिफ्थ यूनिट क्या करेंगे बच्चों स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।